कामवासना कम होने का क्या कारण है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इरेक्शन नहीं आता, मतलब लैंगिक कठोरता नहीं आती, लिंग में कठोरता नहीं आती, टाइटनेस नहीं आता है। तो उसमें एक कारण मेजर जो है वो है कामवासना, मतलब जो कामवासना जो है सेक्स करने की, जिसको बोलते हैं सेक्स ड्राइव, तो वो ही कम है। तो फिर लो सेक्स ड्राइव कम होने का कारण क्या है वो देखना पड़ेगा कि लो सेक्स ड्राइव कम क्यों है। तो एक तो क्या है कि लो सेक्स ड्राइव, मतलब ड्राइव मतलब क्या है, ड्राइव मतलब कामवासना ही कम है, कामवासना। नंबर दो, उसकी विश जो है, इच्छा, वो कम है, इच्छा ही नहीं हो रही है। तीसरा, उसको मोटिव नहीं है, इसका मतलब उसको प्रेरणा नहीं मिल रही करने के लिए, या जितनी चाहे उतनी एनर्जी नहीं मिल रही, प्रेरित नहीं हो रहा है वो। तो फिर ये जो है कि कामवासना कम होना, या डिजायर कम होना, या इच्छा कम होना, या फीलिंग ही नहीं आना सेक्स का, तो ये लो सेक्स ड्राइव कब बोलते हैं कि नहीं इसको कम है। तो जब विचार भी नहीं आते, नंबर एक विचार भी नहीं आ रहे सेक्स के, नंबर दो फैंटासीज, मतलब कुछ कल्पना शक्ति से कल्पना भी नहीं कर पा रहा है वो, कुछ फैंटासी भी नहीं हो रही कुछ, या कोई इसको इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। और ये कब, कि जब सेक्स की बातें हो रही है, कोई सामने बैठी हुई है लड़की, या अपोजिट सेक्स कोई बैठा हुआ है, और तभी भी उसको ना थॉट्स आ रहे हैं, ना फीलिंग्स आ रहे हैं, ना कोई कल्पना फैंटासीज आ रही है, ना कोई इंटरेस्ट है, तो उसको बोलते कि भाई इसको लो सेक्स ड्राइव है। और नेचुरली जब लो सेक्स ड्राइव है तो प्रॉब्लम है ही, मगर सब जगह प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि लो सेक्स ड्राइव है तो इरेक्शन होता है वो लोगों को, और वो करते हैं, और उसमें यदि कोई वाइफ की कंप्लेंट नहीं होंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि वाइफ की कंप्लेंट नहीं है, बच्चे भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें यदि रिलेशनशिप इशू आ रहे, मियां बीबी का झगड़ा हो रहा है और फिर प्रॉब्लम आ रहे उसके वजह से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना, झंझट हो रही है, तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा। या फिर लो सेक्स ड्राइव है क्योंकि कोई बीमारी है पीछे, और उसके वजह से सेक्स ड्राइव कम है, तो बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बीमारी बढ़ते जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या है कि लो सेक्स ड्राइव, यदि दोनों को प्रॉब्लम है उसमें तो इलाज करो, प्रॉब्लम नहीं है तो इलाज मत करो। मगर प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे चल रहा है सभी, तभी लो सेक्स ड्राइव क्यों है तो मालूम होना चाहिए, और वो कारण मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्या है कि 55 साल की उम्र तक यदि दो हफ्ते में एक बार भी सेक्स नहीं होता है और इच्छा नहीं होती है, तो उसको हम बोल सकते कि उसको लो सेक्स ड्राइव है। 55 साल की उम्र तक दो हफ्ते में एक बार भी नहीं हो रहा है तो। अलग अलग स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि 8 से 15%, मतलब 100 पुरुषों में 8 से 15 लोगों को लो सेक्स ड्राइव होती है। अलग अलग कारण उसके हो सकता है। तो एक तो शारीरिक बीमारी है, या आपसी मतभेद है तो प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करो। अच्छा, बाकी और क्या कारण है, क्योंकि समझो दोनों में पट नहीं रही है, वाइफ की इच्छा है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, वो चाहती कि नहीं सेक्स होना चाहिए, और आदमी को बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, तो फिर उसके कारण देखने पड़ेंगे और कारण का इलाज करना पड़ेगा। नंबर एक, दवाइयाँ उसको जो चल रही है तो प्रॉब्लम हो सकता है। दवाइयाँ कौन सी, दवाइयाँ में एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब बीपी वाली गोलियाँ, फिर एंटी डिप्रेशंस, डिप्रेशन की गोलियाँ, एंटी एंग्जाइटी, फिर एसएसआरआई जो है, एसिटिलोप्राम, फ्लॉक्सिटिन, जो एंटी डिप्रेशंस है, ये दवाइयाँ, और बाकी भी डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं वो भी कॉज करती है। फिर लत लगने वाली जो दवाइयाँ हैं, एक्चुअली रिक्रिएशनल ड्रग्स हम बोल सकते हैं, कैनाबीज, ब्राउन शुगर, भांग, चरस, मतलब ये जो है, तो ये कॉज कर सकते हैं। मतलब उसमें कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि इच्छा हो गई, एबनॉर्मल इच्छा हो गई, मगर इरेक्शन नहीं हो रहा, या फिर उसमें वो पड़े रहता है और उसको कुछ उसका भान ही नहीं और इच्छा भी नहीं, ऐसा भी होता है। तीसरा जो कारण है वो है शारीरिक बीमारी, और उसमें लकवा मारना, पैरालिसिस मारना, फिर फिट्स है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या फिर कोई इंजरी हुई है, स्पाइनल इंजरी है, तो वो देखना पड़ेगा कि भाई कौन से, और मेडिकल कंडीशन है, जैसा उसमें ये भी है कि क्रॉनिक स्लीपलेसनेस है, नींद ही नहीं आ रही, फिर ऐसे कोई शारीरिक बीमारी पीछे है तो फिर हो सकता है। नंबर चार, मानसिक बीमारी है, फिर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और उसके वजह से इच्छा नहीं हो रही है। नंबर पाँच, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपसी मतभेद, रिश्ते बराबर नहीं है दोनों पति पत्नी के, तो वो ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर इच्छा ही नहीं होती है, बात भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, देखते बराबर झंझट चालू हो जाती है। नंबर छः, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस,
हाइपोथैलेमो पिटेटरी गोनेडल एक्सिस का यदि डिस्टर्बेंस है तो उसमें फिर थायराइड हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, स्टीरोइड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके वजह से फिर लो सेक्स ड्राइव हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन में नॉर्मल लेवल जो है टेस्टोस्टेरोन की वो है 300 से लेके 1000 नैनोग्राम्स पर डीएल, 300 से 1000 एनजी पर डीएल, ये नॉर्मल लेवल है। 300 से कम है तो हो सकता है कि उसको लो सेक्स ड्राइव हो सकती है। अभी इसका इलाज क्या है यदि समझो ऐसा है तो, क्योंकि मैं पहले बताया कि भाई दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी हो गए, लो सेक्स ड्राइव है, जब करते हैं तब करते हैं और बच्चे भी हो गए, चलो है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर झंझट हो रही तो उसका इलाज करना होगा। तो इलाज में नंबर एक है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, जिसमें बचपन में कोई ऐसा लैंगिक अत्याचार हुआ है, कोई आघात हो गया है, सेक्स अब्यूज हो गया है तो देखना पड़ेगा। बुप्रोपियन जो ड्रग है वो इसमें काम में आता है। बुप्रोपियन 150 मिलीग्राम की गोली आती है, वो आप एक रोज ले सकते हो, तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। फिर फ्लिबेनेसरीन, प्रीबेनानोटाइड, तो ये जो दवाइयाँ हैं प्रीबेनानोटाइड, फ्लिबेनेसरीन, बुप्रोपियन, साइकोथेरेपी, ये सभी अलग अलग इलाज करके देखना होगा। कारण मिल गया तो इलाज आसान है, क्योंकि हम कारण ठीक करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जब आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, क्योंकि 8-15% लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग सफ़र करें इससे, तलाक हो जाए, क्योंकि फिर इच्छाएं नहीं हो रही और बहन भाई जैसा सो रहे हैं एक कमरे में, तो फिर क्या करेंगे, कोई सेक्स ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे रह के, फिर तो काफ़ी सारे तलाक बच जाएंगे, काफ़ी सारे जो परिवार है वो बच जाएंगे। तो ज़रूर ये शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।